हम बात कर रहे हैं HFCL की। आज के दिन की बात करें तो छोटे मोटे अपसाइड के साथ फ़िलहाल स्टॉक जो है ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक 103.75 पैसे पर फ़िलहाल हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त स्टॉक जो है अपने सपोर्ट जोन पर ही है। 102 का जो सपोर्ट लेवल है हमने इससे पहले डिस्कस किया था, जहाँ से स्टॉक ने हमको गिरावट के साथ बाउंस बैक दिखाया था, 112 तक का जम दिखाया था अपने सपोर्ट एरिया पे ही है। लेकिन हम देख सकते हैं स्टॉक में जब रिकवरी आ रही है तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 104-105 का जो लेवल है इस पर इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आज के दिन भी हमको 105 तक का जम देखने के लिए मिला, वहाँ से अगेन सेलिंग देखने के लिए मिले। लेकिन स्टॉक जो इसी सपोर्ट लेवल पर सस्टेन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर 102 के लेवल को 102 के लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है, जैसे कि हमने यहाँ देखा गिरावट आई थी, जंप आया, अगेन गिरावट लो ब्रेक डाउन, अगेन जंप आया है, गिरावट आई है, अगेन जंप के साथ अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो अपने इस लो को ब्रेक डाउन करता हुआ नज़र आ सकता है। फिर जो एक आखिरी उम्मीद बचेगी 100 का लेवल रहेगा, इसका तगड़ा और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसका तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इस वक्त पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, तगड़ा रेजिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट दिया था 100 के लेवल को, और 100 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद हमको उतनी बड़ी यहाँ रैली, उतनी बड़ी बड़ा जंप देखने के लिए नहीं मिला। 116-117 तक का जंप आया था, स्टॉक ने रिजेक्शन दिखाया है। ये इसका तगड़ा रेजिस्टेंस, इसका पुराना हाई था जिसको ब्रेकआउट किया है 100 का लेवल, जहाँ से हमको इससे पहले रिजेक्शन फेस करता हुआ नज़र आ रहा था, अब ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो 100 का लेवल है इसका तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। 100 के लेवल से अगेन हमको इसमें रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। अब जो इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक, हमने अभी अभी डिस्कस किया 104-105 का लेवल, इसको ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 108 और 1110 का लेवल रहेगा, और इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो वैसे कंडीशन में फिर तगड़ा रेजिस्टेंस फेस करने वाला स्टॉक है जो इसका हाई 117-118 का लेवल, जहाँ से स्टॉक ने गिरावट दिखाई, इसका तगड़ा और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन जिस तरह से अब चार्ट पैटर्न हमको बता रहा है, गिरावट के बाद जंप, हाई, ब्रेकआउट, अगेन जंप, अगेन गिरावट, अगेन जंप, हाई, ब्रेकआउट, अगेन गिरावट, जंप, हाई, ब्रेकआउट, गिरावट, जंप, हाई, ब्रेकआउट, अगेन गिरावट आई, बाउंस बैक होकर स्टॉक अपने इस हाई को ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।